हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हमारे बीच जिले की जाने मानी सेलिब्रिटी बिल्डर्स और हर दिल युवा अजीज माननीय श्री गौरव बंटी राठौर जी उपस्थित हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हम आपके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा कहाँ। सबसे शुरू में मैं बैतूल यार में रहा हूँ और मेरा स्कूल चालू हुआ बैतूल में, प्राइमरी स्कूल गंज में जी सर। और हाई स्कूल की परीक्षा शिक्षा मैंने गवर्नमेंट स्कूल बैतूल से ली है, कुठियार से। और जेएच कॉलेज बैतूल में मैंने कॉलेज किया वहाँ से। तो बचपन सर आपका बैतूल बाजार में ही बीता। हाँ, बहुत छोटा था मैं तब, बैतूल यार में ही रहते थे हम लोग जी सर। और बाद में फिर हम यहाँ लोग शिफ्ट हो गए हम लोग जी। सर अगला प्रश्न मेरा ये होगा, हम आपकी हॉबी के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी क्या क्या रुचि है, किन किन क्षेत्रों में। देखिए, मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और काफ़ी स्टेट लेवल तक के मैं क्रिकेट खेला हूँ और फुटबॉल में मेरी बहुत रुचि है जी। और मतलब शुरू से मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है मेरा जी। रनिंग वगैरह में मुझे अच्छे बेस्ट पुरस्कार मिले स्कूल के समय जी। बाकी फिर बाद में ये सब चीज़ें इतनी कम है बैतूल में जी, कि कहीं ना कहीं विधायकों को, सांसदों को या हमारे जिला प्रतिनिधि जो हैं इनको ध्यान देना चाहिए स्पोर्ट्स के मामले में। हमारे यहाँ के बच्चे आगे नहीं जा पाते हैं जी, जी। तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए सरकार को इन सब चीज़ों पर, क्योंकि हम लोग जाते भी हैं आगे तो वहाँ से वापस कर दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति जैसी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ ऊपर जाके। मतलब सर यदि हम खेलों की बात करें तो हाँ, वैसा एनवायरनमेंट, वैसा माहौल हमारे जिले में, हमारे जिले में नहीं है कि यहाँ के मतलब सुविधाएं नहीं है। शासन सुविधाएं कर दे तो बहुत सारे गांव के हाँ, बच्चे जो स्पोर्ट्स में वो आगे निकलना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि बहुत प्रतिभाएं हमारे यहाँ जिले में, किंतु मौका नहीं मिलता। जी ने वो अपना जो ग्राउंड बनाया है हाँ, कोठी बाजार में हाँ, शायद हॉकी ग्राउंड है जी जी। और भी इस तरह से हमारे यदि ग्राउंड यदि हो जाए जी। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब स्पोर्ट्स की सुविधा का ये है कि यहाँ बहुत अच्छे कोच नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होता है, हमारे यहाँ के बच्चे जब आगे खेलने के लिए निकलते हैं जी, तो उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है जी जी जी। कहीं ना कहीं किसी बड़े व्यक्ति के बच्चे आ जाते हैं, उनका सोर्स लग जाता है जी, जी। कहीं बड़े शहर में जहां हम जाते हैं खेलने जी, जी। वहां पे कुछ लोगों का वो मतलब हो जाता है, चयन इसका पिछड़ेपन का एक दंश होता है हमारे साथ कि जिला पिछड़ेपन में है जी हाँ जी हाँ। और हमें कोई यहाँ के बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता। तो यदि सरकार इस ओर ध्यान दे तो हमारे यहाँ से काफी बच्चे निकल सकते, काफी बच्चे निकल सकते हैं, बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं हमारे शहर में, जिले में जी। तो इस दिशा में सर यदि आप अपनी ओर से कोई प्रयास करें शासन को जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा इस चीज़ों में जी, कि यहाँ के बच्चों को प्रतिभा में मौका मिले, यहाँ की प्रतिभाएं उभरें जी। बिल्कुल मैं इसमें कोशिश करूंगा। तो सर हम ये मान के चल सकते हैं कि यदि आज आप इस बिजनेस में ना होते तो आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन होते। हाँ, ये भी कह सकते हैं, पर ठीक है, अब यहाँ हमको, हम लोगों को यहाँ पे अच्छा माहौल नहीं मिल पाया उस तरह का, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर बड़े शहर में होते या अच्छी जगह होते तो हमें भी कुछ अच्छा करने का मौका मिलता, अवसर मिलता जी। तो वो एक कसक है सर, कसक है हमको जी, जी। सर मेरा अगला प्रश्न ये है आपसे कि अभी तक आपने किन किन पदों पर रहते हुए भूमिकाएं निभाई है। मैं कॉलेज के समय से NSUI का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, लगभग करीबन 6 वर्ष जी। इसमें मैं अध्यक्ष रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, कांग्रेस का संगठन है ये, छात्र संगठन। तो इसमें रहते हुए हमने काफ़ी जनहित में कार्य किए हैं, ब्लड डोनेट कैंप लगाए हैं, हेपेटाइटिस बी के टीके हमने NSUI की तरफ से काफ़ी कम रेटों में मतलब उपलब्ध कराए थे जी। और हम लोगों ने जनरल नॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट एग्ज़ाम करवाए थे पूरे ज़िले में जी। तो काफ़ी बच्चों ने उसमें हिस्सेदारी की जी। और जिस समय हम लोग NSUI के अध्यक्ष वगैरह थे उस समय कॉलेज स्कूलों में छात्रों की इतनी मदद किया करते थे कि काफ़ी कुछ मतलब लोग प्रभावित थे हम लोगों से जी। तो इस वजह से जब कॉलेज चुनाव उस समय हुआ करते थे और हम लोगों ने कॉलेज चुनाव में 2 बार मेरे अध्यक्ष रहते में जब 2 बार चुनाव हुए, दोनों बार NSUI जीती है जी।
तो ये उपलब्धि रही हमारी कि कॉलेज चुनाव में मतलब जीतने का कारण कि हमारे विकास कार्य होंगे। सर ये तो कॉलेज के समय, उसके बाद और आप किन किन मतलब और दूसरे, मैं राठौर समाज का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ जी जी, तो उसमें भी काफ़ी कुछ हमने समाज के लिए जी किया है जी। विकास के लिए अपनी उम्मीद कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक अपन मिले जुले अच्छे कार्य करें जी। सर मैं अब जानना चाहूँगा आपसे कि सामाजिक कार्यों के प्रति आपका लगाव किस तरह है जी। मेरी यही सोच है कि अधिक से अधिक सामाजिक कार्यों के द्वारा गरीबों की मदद होना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद होना चाहिए और जिनको ज़रूरत है उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, नहीं तो हमारे काम का कोई मतलब नहीं है जी। जी जी, अक्सर साहब हम ये देखते हैं कि समाज के जो निचला तबका है हमारा समाज का, वहाँ तक सरकार की योजनाओं का लाभ ठीक ढंग से पहुँच ही नहीं पाता है, तो इसके लिए क्या क्या और बेहतर सुधार होना चाहिए? देखिए सर ये देखा जाता है कि एक उच्च वर्ग तक ही उन योजनाओं का लाभ पहुंचता है, जो वास्तविक जो तबका है, जिन लोगों जो लोग वास्तव में जिनको उसका हक मिलना चाहिए वहां तक ठीक ढंग से हक नहीं पहुंच पाता। सबसे मेन चीज़ तो ये शिक्षा की थोड़ी जो पूर्व के लोगों में कमी थी, आजकल के बच्चे तो काफ़ी कुछ पढ़े लिखे हो रहे हैं तो काफ़ी कुछ नॉलेज रखते हैं, जानकारी रखते हैं, और ये देखने में मुझे आया कि गांव खेड़ों में काफ़ी कुछ एक्टिव लोग हो गए हैं आजकल, बहुत कुछ मतलब नॉलेज रख रहे हैं उस चीज़ों का जी, जी। तो लोगों को जानकारी तो आजकल मिल रही, बाकी बहुत सी चीज़ें सरकारी अधिकारी दबा लेते हैं, विकास का पूरी तरह फ़ायदा नहीं दे दिलवा पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं ये कह लो उस चीज़ को। तो अब ये उसके लिए क्या होना चाहिए सर, क्या क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को बिना किसी अवरोध के वो योजनाएं उन तक पहुँच जाए? वो योजनाएं पंचायत के द्वारा, कई विभाग ऐसे रहते, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि, गवर्नमेंट ये चाहती कि डायरेक्ट वहाँ जाके आप उनसे जानकारी लें, पर पंचायत के थ्रू ये जानकारियाँ सारी उपलब्ध करानी चाहिए गवर्नमेंट को जी, ताकि हर व्यक्ति हर विभाग में नहीं जा पाता है, तो इसलिए उसको उसकी जानकारी हो नहीं पाती पूरी तरह। सर उसके लिए अभी वैसे सरकार जिस तरह से मतलब डायरेक्ट बेनिफिशरी यानी सीधे लोगों तक योजनाओं का लाभ, तो वो एक बेहतर व्यवस्था है, वो अच्छी बहुत अच्छी व्यवस्था है, सकारात्मक बिल्कुल बहुत अच्छी। सरकार जो भी राशि या जो भी सहायता देना चाहती है वो डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में, बहुत बड़ी वो बहुत बढ़िया सुविधा है, बहुत अच्छी इस तरह की मतलब सभी योजनाओं का इसी तरह यदि क्रियान्वयन हो जी जी तो लोगों तक वास्तविक मदद पहुँच सकती है, बिल्कुल पहुँचती है, और अभी तो बहुत अच्छा हो गया, पर फिर भी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो बीच में पैसा बटता है या अधिकारी मांगते हैं या उनकी वो चीज़ नहीं होती, उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि उन अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई कुछ ना कुछ जल्दी की जाए, बनाया जा सकता कानून सरकार के द्वारा कि इतना काम अधिकारियों को करना ही है, नहीं करना नहीं, जो भी अगर विकास तो नहीं दे पा रहा है या उसकी सुविधाएं नहीं दे पा रहा तो उसके लिए अधिकारी पैसा मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, गरीब परेशान होते हैं, उसके लिए महीनों चक्कर लगाते हैं एक छोटे से काम के लिए, एक छोटी छोटी चीज़, हाँ छोटे छोटे कागज के लिए छोटे महीनों, हाँ महीनों परेशान होना पड़ता है और फिर बिना पैसे के काम नहीं होता, उसमें गलतियाँ सही होने के बाद गलतियाँ निकाल दी जाती है और मजबूरी में आदमी को फिर पैसे देना पड़ता है कि नहीं भैया जल्दी करवाना है तो पैसे देना पड़ेगा जी, जी। वो चीज़ें खत्म होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, और तो उसके लिए सर ऐसा हम कह सकते हैं कि सरकार एक कोई कानून ला दे ऐसा कि इतने दिनों में इस कार्य को करना ही करना। नहीं अभी भी है वैसे वो कानून है, कानून बाकी उसके तोड़ भी अधिकार क्रियान्वयन नहीं है और अधिकारियों के पास उसका भी तोड़ है, योजनाएं बनती है कानून होते हैं हर चीज के लेकिन उसका जमीनी स्तर पर हाँ पालन नहीं हो पाता, जबकि कानून है ऐसा कि यदि आप इतने दिनों में किसी मतलब या किसी का जाति प्रमाण पत्र है या किसी का आय प्रमाण पत्र है वो अगर आप इतने दिनों में रिलीज ना करें बनाए ना तो अगले उतने दिनों के बाद आपके ऊपर फिर वो पेनाल्टी लगती है, ऐसा कुछ है? देखिए उसमें चीज़ तो ये है, आज भी है ये चीज़ें सब कर दी है गवर्नमेंट ने, पर क्या होता कि उनके कागजों में जो कागज मांगे जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती निकाल के उसको रोकवा दिया जाता है, अब वो चीज़ें बेचारे परेशान होते रहते हैं सभी लोग, मतलब सर हम ये मानते हैं कि वो अनावश्यक परेशान किया जाता है, अनावश्यक परेशान किया जाता है कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा काम नहीं होगा जी। सर मैंने ये भी देखा है, मतलब मैं खुद भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ अपने जीवन में, मैंने ये देखा है जैसे अधिकारियों को सर उनके पास जाओ किसी काम के लिए तो वो चाहते तो टिल डे यानी उसी दिन वो काम को कर सकते हैं, लेकिन वो अनावश्यक दो चार दिन आप इस दिन आना आप उस दिन आना, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ें हमें मजबूरियों को नहीं समझते कि लोग गाँव से आते हैं पैसा खर्च होता है उन लोगों का, तो ये चीज़ थोड़ा सा अधिकारियों को चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अगर वो चाहें तो उस काम को कर सकते हैं, कर सकते हैं तुरंत कर सकते हैं जी। जी सर, सर मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब आप समाज में क्या क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए समाज को बदलना तो बहुत कठिन काम है जी। पर मेरी ये सोच है कि हर काम गवर्नमेंट के भरोसे हम नहीं कर सकते जी। हमारे शहर में, हमारे जिले में, हमारे मोहल्ले में या बस्ती में जो भी कह लें,
काफी सक्षम और काफी धनवान लोग रहते हैं, संपन्न लोग रहते हैं और उनमें से गिने चुने उंगली पे गिन लो ऐसे लोग सहयोग करते हैं या गरीबों की मदद करने आगे आते हैं और बाकी लोग उन चीजों से बचना चाहते हैं। अगर वही थोड़े से आगे आए सभी लोग मिलके अगर मदद करें गरीबों की या जरूरतमंदों की तो बहुत मुश्किल नहीं है कि हर चीज़ पे काबू पाया जाए। इस महामारी में, कोरोना महामारी में भी देखा गया है कि बहुत लोग नहीं आए पर आए, कुछ लोग आए हैं, कुछ ही लोग सामने आ पाते हैं। यदि सभी लोग मिलके सहयोग करें तो ये इस चीज को हराना बहुत कठिन काम नहीं है। जी मतलब हम बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ सकते हैं सब मिलके, यदि सोसाइटी एकजुट हो जाए तो। हमारा ये है कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार क्या क्या कर, सारी चीजों का ठीकरा सरकार के सिर फोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। ये बात यानी सभी लोगों को तो हाँ, से आना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देश के प्रति, यदि हम वास्तव में देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो इस समय में सबसे अच्छा हमारे पास अवसर होता है कि होता हम अपना पोटेंशियल समाज को दें। बिल्कुल सर, मैं अब जानना चाहूँगा आपसे कि एक बड़ा युवा संगठन आपके साथ है, पहले भी था आज भी है, तो कभी ऐसा विचार आपके दिमाग में आया कि मुझे चुनाव या राजनीति में आना चाहिए? नहीं नहीं, जब NSUI में हम लोग थे तब एक अच्छा कुछ करने की लगन थी, मेहनत करने का, युवाओं को जोड़ने का एक अच्छा प्रयास रहता था। बाकी उस समय इतनी एज नहीं थी हमारी कि हम बहुत आगे तक सोच लें कि राजनीति में, तो कभी सोचा नहीं फिर ऐसा। क्योंकि सर अक्सर देखा जाता है राजनीति में कि जिनके साथ युवा संगठन हो वो लोग अक्सर राजनीति की ओर प्रेरित होते हैं, राजनीति में जाने का विचार होता है। जी जी, मैं असल क्या हुआ, शुरू में जब हम लोग राजनीति में थे उस समय काफ़ी जोर शोर से हम लोगों का काम चलता था जी। मतलब सभी सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते थे, राजनीतिक कार्यों में सब में जुड़े रहते थे, किंतु काफ़ी समय इन चीज़ों से दूर हुए हो गया मुझे जी। तो अब वो चीज़ की इच्छा नहीं होती, अब अपने काम धाम और सामाजिक कार्यों में थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपन मिलजुल के, बाकी तो राजनीति में आने का सर कोई ऐसा विचार अभी कुछ नहीं है सर। पहले था मतलब पहले जरूर रहा होगा, अभी फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं कुछ भी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लाइफ में आपका सपना क्या था, आप क्या बनना चाहते थे? देखिए मैं क्या कहूँ, बचपन में तो एक पुलिस ऑफिसर या फिर एयरफोर्स पायलट बनने का सपना था जो पूरा नहीं हो पाया। अब ठीक है, जैसे ऊपर वाला जिंदगी ले चल रहा है वो चल रहे हैं और बहुत शुक्रिया है, भगवान का धन्यवाद है कि बहुत अच्छा पोजीशन पे लाके उनने हमें खड़ा किया है कि हम लोगों की मदद कर सके, यही है बस ऐसे कुछ। तो वो एक कसक सर आज भी है दिल में? हाँ वो है तो, पर वो हो नहीं सकती पूरी। यदि आपको मौका मिले आगे भविष्य में कभी भी, तो आप समाज की भलाई के लिए क्या करना चाहेंगे अपनी ओर? देखिए मेरी भी काफ़ी सोच है कि अनाथालय, वृद्धाश्रम जैसी चीज में काफ़ी कुछ सहयोग करने की अपने को, हाँ नहीं एक इच्छा है दिल से, कि अपन उसमें कुछ थोड़ा सा। तो सर आप या खुद का खोलना चाहेंगे या फिर जो पहले से संचालित हो रहे हैं उनको हेल्प करना चाहेंगे? खुद का खोलना चाहेंगे, खुद का खोलने की इच्छा है कि भाई गरीबों की इसमें इस बहाने मदद हो जाती है। तो ये तो एक बहुत अच्छा सर आपका विचार है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि कब तक प्लान है आपका ये स्टार्ट करने का? 2-4 साल में, 5 साल में, थोड़ा सा भी क्या बाकी चीज़ थोड़े अपन फ्री हो जाएं, जिंदगी की बाकी चीज़ों से सब थोड़ा क्लियर हो जाए, फिर इन चीज़ों में अपना आए तो पूरा टाइम दे सके अगर उनको, तो भी है हो सकती वो चीज़ें। मतलब सर वैसे मेरा ये एक सुझाव है आपके जी कि यदि अनाथ बच्चों के लिए भी यदि कुछ किया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वृद्धाश्रम, हमारे बहुत सारे ऐसे वृद्धजन हैं जो जिनको परिवार से वो सहयोग नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों के लिए यदि हम कुछ कर पाएं जी, तो बिल्कुल वही मेरी भी सोच है कि उन लोगों के लिए ही, भलाई के लिए कुछ किया जाए। अच्छा जी। जीवन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए जीवन जीने का मेरा नज़रिया ये है कि आदमी अपने छोटों की मदद करे और कुछ ऐसी उपलब्धि समाज के लिए पेश करे कि लोग उसको आगे तक के काफ़ी लंबे समय तक याद करें।
सिर्फ मौका और फोटो खिंचवाने के लिए ही काम ना करें, उसके बहुत से रूल होते हैं और अपने अपने स्तर पे लोग करें। लेकिन सर अभी हम सोसाइटी में ट्रेंड देख रहे हैं कि मदद से ज़्यादा फोटो सेशन सेल्फी ज़्यादा हमें नज़र आती है, मतलब यानी लोग उसको अपनी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। हाँ, यानी वो किसी की मदद करते हैं तो उससे ज़्यादा वो उससे प्रॉफिट चाहते हैं या उससे ज़्यादा वो प्रसिद्धि चाहते हैं। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। बाकी क्या होता है कि एक दूसरे को देख के ये सब चीज़ें चलन में आ जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी करता है वो तो करता तो है बेचारा, तो सबकी मदद होना चाहिए उस चीज़ से। और बहुत से लोग हैं जो हर तरह से अपना नज़रिया रखते हैं गरीबों की, कोई मदद करता है, कोई कुछ करता है, कोई सामान डोनेट करता है, कोई पैसा देता है, जमाने भर की चीज़ें रहती है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब समाज के लिए जिन लोगों ने भी काम किया बहुत अच्छा काम किया, और उनका जो भी नज़रिया अपने जीवन को जीने का है वो यही मैं उनके लिए कहूँगा कि भाई कहीं ना कहीं सेवा भाव उनके है, तभी वो इतना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि टाइम देना अब आज के समय में तो बहुत ज़्यादा टाइम है लोगों के पास, जब तक लॉकडाउन लगा है तो ये सब चीज़ें हैं। पर फिर भी इस महामारी में लोग जहाँ वैज्ञानिक सब मना कर रहे हैं कि एक दूसरे, डॉक्टर मना कर रहे हैं कि एक दूसरे से दूर ही रहें, वो हाथ ना मिलाएं, पास ना खड़े हों, और फिर भी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना अगर मदद कर रहे हैं तो बहुत सराहनीय कार्य है, उनके लिए बहुत महान काम है। सर ऐसा भी देखने में आया कि इस महामारी के दौर में जब लोग परेशान थे तो दो पहलू हमें नजर आए जी। एक तो सर बहुत सारे लोग आगे आकर के जिन्होंने लोगों की मदद की, हेल्प की, और एक वो लोग थे जो इस महामारी को अवसर के रूप में ले रहे थे, उसका अनाधिकृत फायदा उठा रहे थे, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। अब उनके लिए क्या कहेंगे, समाज खुद समझदार है कि वो खुद समझते हैं कि क्या गलत है क्या सही है और किसको सही अपॉर्चुनिटी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब ये समाज पे है, अब किसको क्या अपन किसके सोच के बारे में क्या। संकट के समय लोगों की मदद की जाना ज़्यादा बेहतर है या इस तरह से लोग अवसर का फ़ायदा उठाते हैं? नहीं नहीं, वो तो बहुत गलत है, तो बहुत गलत बात है। बाकी मतलब सर हमारे जिले में देखने में ऐसा आया, न्यूज़ के माध्यम से भी ऐसा देखने में आया कि 100 तक अपने घर तक ले जाने के लिए वाहन के पैसे लिए गए। नहीं वो तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, उस पर तो सजा होनी चाहिए जी, प्रशासन को उस पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए बहुत ज़्यादा, तय उसकी एक दर तय कर देनी चाहिए कि इतनी दूरी के इतने पैसे, इतनी सब चीज़ें जो रहेगी, तो वो सब चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा कई जगह वो हुआ, लोगों की परेशानी को समझी नहीं गई जी, जी। लोगों ने हॉस्पिटल द्वारा भी सर अनाधिकृत बिल वसूले गए जी जी बिल्कुल, बड़ा चढ़ा करके चार्जेस लगाए गए, तो वो बहुत गलत बात है, उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या सही बिल लगा क्या गलत बिल लगा जी। वो तो बहुत गलत बात है, इस चीज ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये तो एक तरह से लूट हो गई जी। सीधे सीधे एक अपराधी होता है लूट करने वाला और एक अच्छे स्तर का अपराधी होता है जो प्यार से गले जेब में हाथ डाल के पूरा घर तक छीन लेता है, कई लोगों घर बिक गए इस चीज़ों में जी। तो ये तो बहुत गलत बात है जी, जी सर। सर एक अगला एक निजी सवाल है सर आपसे। सर हम जानना चाहेंगे कि आपने जीवन में जो सोचा जी और उसका कितना आप हासिल कर पाए या ऐसा कुछ बाकी रहा जो आप हासिल नहीं कर पाए? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं रहा, जो भी सोचा वो भगवान की दया से सभी हासिल हो गया है जी। अब बस लोगों की सेवा करना ही बचा है। तो आप सर जीवन में सेवा भाव को अपना अपनी प्राथमिक सूची में मानते? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है वो चीज़ें। यदि आपके पास मतलब जब भी आपको समय मिलेगा समाज की सेवा के लिए जो बेहतर से बेहतर, बिल्कुल बहुत बेहतर से बेहतर करेंगे इसको। सर अगला मेरा प्रश्न आपसे, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा युवाओं को यही संदेश है कि अधिक से अधिक मेहनत भाव से कार्य करें, कोई भी चीज़ को लगन से काम करें। लोग आजकल के युवा ये है कि मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि अपने जीवन के बारे में कुछ सोचते नहीं है, मोबाइल में बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा, समय का बिल्कुल अनादर ना करें, समय की बहुत कीमत है, सही समय पर कोई भी काम हो तो वो काम सही होता है। और यदि सर लक्ष्य हासिल करना हो युवाओं को जी बिल्कुल, क्या क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है, दूसरी समय की कीमत बहुत जरूरी है, अनुशासन बहुत जरूरी है,
वो जिस समय आ गया सब में तो वो व्यक्ति फेल नहीं हो सकता कभी। यानी सर अपॉर्चुनिटी सभी को बराबर से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, उसका किस रूप में हाँ, वो चीज है बस, वो ज्यादा जरूरी यानी अनुशासन और त्याग दोनों त्याग जो आज हमारे युवा नहीं कर पाते हैं जी, यही एक उनके लिए असफलता का कारण है। सर मैं अगला प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा, आपकी पर्सनालिटी सर इसका राज क्या है? नहीं, स्पोर्ट्समैन होने के कारण और मैं लगभग रोज एक्सरसाइज जिम करता हूँ तो अपना शरीर मेंटेन करने के लिए कोई मुझे वो नहीं करना है कि पहलवान बनना है या कुछ करना है, पर यह है कि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत एक्सरसाइज योगा सब में प्रतिदिन करते रहता हूँ। तो सर इतनी परफेक्ट पर्सनालिटी तो कभी आपने बॉलीवुड के लिए ट्राई नहीं कभी नहीं सोच सकते। तो आज हमारे बीच जो जिले की जानी मानी सेलिब्रिटी माननीय श्री गौरव बंटी राठौर जी, आज उनसे हमारी एक बहुत ही सार्थक पहल हुई सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वार्तालाप को ख़त्म करने से पहले अपने युवाओं साथियों और दोस्तों मित्रों को ये बोलना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो समय का ध्यान रखें, एकाग्रता रखें और अपने काम पे पूरी तन्मय धन से पूरी तरह एकाग्रचित होकर ही काम करें तो ही सफलता आपके चरणों में आएगी, नहीं तो बहुत मेहनत लगेगी। धन्यवाद।